स्वामी विवेकानंद से भारत देश के लोग प्रभावित तो है ही, लेकिन स्वामी विवेकानंद से विदेश के महान लोग भी काफी प्रभावित हुआ करते थे और आज भी हैं। उनकी बातों को आदर्श मानकर ही निकोला टेस्ला, थॉमस एडिसन और भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने दुनिया में अपनी छाप छोड़ दी। स्वामी जी का कहना था कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारी है, वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर पहले हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। दोस्तों, स्वामी जी ने 5 बातों के बारे में बताया है जिसके बारे में इंसान को कभी भी नहीं सोचना चाहिए। अगर जीवन में सफलता पानी है तो इन 5 बातों के बारे में कभी ना सोचे। मुश्किलें तो हर किसी के जीवन में आती रहती है। जब एक मुश्किल को खत्म करके हम यह सोचते हैं कि चलो अब जिंदगी आराम से कटेगी, तब तक कोई दूसरी परेशानी हमारे दरवाजे पर दस्तक देने लगती है। जब कभी हम किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं तो सोचते हैं कि काश ऐसी सफलता हमें नसीब हुई होती, या फिर यह सोचते हैं कि कितनी आसानी से इन्हें सब कुछ मिल गया। लेकिन ऐसा नहीं है, इन लोगों ने भी वही मुश्किलें और परेशानियां झेली है जो सफलता पाने के लिए झेलनी ही पड़ती है। बस इन परेशानियों से निपटने का तरीका उनका अलग ही होता है। जिन परेशानियों के बारे में हम लोग सोचकर हार मान लेते हैं, वे लोग उनके बारे में कभी सोचते भी नहीं। 5 ऐसी बातें जिनका त्याग करके आप भी उन्हीं लोगों में शामिल हो सकते हैं। 1, लोग क्या कहेंगे। इस दुनिया में ज्यादातर लोग अपनी मर्जी से नहीं बल्कि दूसरों को देखकर या प्रभावित होकर काम करते हैं, और जब कुछ नया करने की बारी आती है तो ये सोचकर समय नष्ट कर देते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। लोगों के बारे में सोचने से पहले ये जान लीजिए कि वे लोग कभी भी आपकी वास्तविकता के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि वे लोग या तो आपको बहुत अच्छा कहेंगे या फिर बहुत खराब। दुनिया में रहने वाले लोग एक दूसरे से सुनकर बस उसे ही सच मानने लग जाते हैं। पर जिस दिन आप सफल हो जाएंगे, यही कुछ लोग आपके पास आएंगे, आपके जैसा बनना चाहेंगे। इसलिए ऐसे लोगों का परवाह करना छोड़ दो। 2, डर। बात अगर डर की करे तो अधिकतर लोगों को रिस्क लेने से डर लगता है, कुछ नया करने से डर लगता है। डर एक भ्रम ही है जो इंसान को जीते जी मार डालता है। सफलता प्राप्त करने की आग जिसके अंदर होती है वो जानता है कि सफल होने के लिए रिस्क लेना होगा और कुछ नया करना होगा, इसलिए डर शब्द उनके डिक्शनरी में होते ही नहीं। स्वामी जी कहते हैं कि शक्ति ही जीवन है और कमजोरी मृत्यु के समान है। 3, बीता हुआ कल या फिर भविष्य। अधिकतर लोग बीते हुए कल में और आने वाले कल में डूबे रहते हैं, वर्तमान स्थिति का ज्ञान कम रखते हैं, इसलिए वे चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। उनका समय और एनर्जी सिर्फ पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचने में निकल जाता है, जबकि सफलता प्राप्त करने वाले सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट को जीते हैं। इसलिए स्वामी जी ने कहा था कि एक समय में एक ही काम करो और उसमें अपनी पूरी आत्मा लगा दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। सफल लोग भविष्य के बारे में सोचते हैं, पास्ट से सीखते हैं, लेकिन वर्तमान के हर एक मिनट का सही से उपयोग करते हैं। 4, नकारात्मकता। निगेटिविटी एक ऐसी चीज है जो आपके हर एक सपने को बर्बाद करने की क्षमता रखता है। हम जब भी कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले यही सोचते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है। ये नकारात्मक विचार होने वाले काम को बिगाड़ देता है, इसलिए जहां तक संभव हो नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए। स्वामी जी ने कहा है कि जो चीजें आपको कमजोर बनाती है उसे जहर की तरह त्याग दो, चाहे वो नकारात्मक विचार हो, भोजन हो, कोई वस्तु हो या फिर कोई मनुष्य हो। 5, उम्र। आपको नहीं लगता है कि उम्र बस एक संख्या का नाम है? सफल व्यक्ति कभी भी अपने उम्र से नहीं जताता है कि वह क्या है और कौन है, और न ही बड़े सपने देखने के लिए किसी खास उम्र की जरूरत होती है। छोटी से छोटी उम्र में भी लोगों ने बड़ी सफलता हासिल की है, और ज्यादा उम्र होने के बावजूद भी कई लोगों ने खुद को साबित किया है। स्वामी जी की उम्र 40 साल की नहीं हुई थी और वे दुनिया को छोड़कर चले गए, पर उन्होंने इतने छोटी सी उम्र में पूरी दुनिया के दिलों में अपनी जगह बना ली थी। इसलिए उम्र मायने नहीं रखता है दोस्त, आपका उद्देश्य सही हो तो आप किसी भी उम्र में सफल हो सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप इन 5 बातों के बारे में अब से कभी भी नहीं सोचेंगे, और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि इनमें से कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा आपको अच्छा लगा, और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आपके माइंड को फ्रेश किया हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों, मैं शिवानंद साहू आपके सपनों को दिल से सपोर्ट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।